हिसाब से तो देश में एक ही कानून होना चाहिए, जैसे आजकल देख रहे हैं कि हर जगह अपनी अपनी चलाई जा रही है धर्म को लेकर के, उस हिसाब से एक कानून बेटर है। क्योंकि जब अगर एक कानून रहेगा तो किसी में ये नहीं रहेगा कि आप मुझे ये कम दे रहे हैं, आप मुझे इस चीज़ में कम दे रहे हैं, या फिर मेरे लिए ये अलग है वो अलग है। अगर एक कानून रहेगा तो कोई मसला ही नहीं रहेगा कि अलग है वो। एक कानून सबसे बेटर है, उसमें ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, ना ये रहेगा कि आप हमको इस चीज़ में कम दे रहे हैं कम दे रहे हैं। सर, UCC जो गवर्नमेंट रूल ला रही है बहुत अच्छा रूल है और ये आना भी चाहिए। जैसा कि उत्तराखंड में है वहाँ पे भी बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, और जैसे इस बारे में सब 10 पॉइंट्स दिए गए हैं वो बाकी करेक्ट हैं और वो होना भी चाहिए। तो उसका विरोध कर रहे हैं सर? विरोध तो सर हर चीज़ का अच्छी चीज़ है और उसका विरोध होता ही होता है, और उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसके जो ओवर पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे, सभी पॉइंट्स लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो उनको समझ में आएगा, उनको पॉइंट्स ढंग से समझाए नहीं जा रहे होंगे इस वजह से उनको। नहीं जी, बिल्कुल होना चाहिए एक देश में एक कानून। ऐसा हमारे देश में हमारी समाज में इस तरह का भ्रम फैला हुआ है कि कोई भी किसी भी इंसान को हम उसके वस्त्र से उसे पहचान लेते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। इसलिए ये देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए जिससे कि हम किसी में भेदभाव ना कर सकें। अब अगर टीका लगा के जा रहा है तो उसे पंडित समझा जाता है, जो बुरखा पहन के जा रहा है उसे मुस्लिम समझा जाता है, और जो पगड़ी पहन के जा रहा है उसे सिख समझा जाता है, और जो क्रॉस का साइन पहना हो गले में उसे क्रिश्चियन समझा जाता है। तो इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत है, प्रेमियों का देश है, इसमें सभी को एक समान रहना चाहिए। ये एक ऐसा नियम है जिसमें सभी के लिए बराबर कानून होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत सभी लोगों को ही हो रही है जो हमारी सिविल पॉपुलेशन है। क्योंकि जो अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये सब अगर अलग अलग रहेगा तो हमने देखा है कि कई बार बुरखे में बहुत सारे अपराधी भाग जाते हैं, मिलिटेंट तक भागे हुए हैं। कश्मीर में सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम आई थी, और अभी देख रहे हो ये जो हमारे अलीगढ़ में भी बहुत सारे जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उनमें देखो बहुत सारे अपराधी बुरखे के भेष में ही रह रहे हैं। तो अगर एक बार ये लागू हो जाएगा, सभी के लिए बराबर कानून होगा, तो शायद मुझे इतना नहीं पता है, हो सकता है बुरखे पे जो नकाब है ये हो सकता है हट जाए। ये सही है जो डिसीजन है, और हम तो इसके पक्ष में। सभी को एक बराबर अधिकार मिलेगा तो आरक्षण वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं, माइनॉरिटी और ये सब पंगेबाजी रहती है, तो इससे बढ़िया है कि सब एक समान हो, कोई दिक्कत नहीं, जाति भेदभाव होने ही नहीं चाहिए। सभी धर्मों के लिए एक कानून, सभी के लिए एक, जब एक भारत है तो एक कानून होना चाहिए। ये स्टेट वाइज बदलते हैं ये गलत रहता है ना। ये तो जी बहुत बढ़िया है, सभी के लिए समान नागरिक कानून होना चाहिए। जैसे ज़्यादातर हमारे देश में जाति के धर्म पे या आरक्षण के हिसाब से जो कार्य होते हैं वो सारे ख़त्म होने चाहिए। वन भारत के लिए वन कानून होना चाहिए, सभी को समान रखना चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कुछ लोग जाति के हिसाब से विरोध कर रहे हैं उससे वो तो गलत है, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि भाई सबको समान रहना है, समान नागरिकता रहनी चाहिए। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, वो सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ अलग हो, आपके लिए कुछ अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक समान रखना चाहिए। हमारे देश में पूरा एक ही तरीके का कानून होना चाहिए जिसमें जो भी जितने नागरिक हैं सड़क पर जाकर जो सामाजिक जगह है वहाँ पर सेम एक जैसा होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कोई किसी तरीके से चल रहा है, कोई किसी तरीके से चल रहा है। एक नागरिकता एक जैसा कानून होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं कि इसके लिए एक कानून, इसके लिए एक कानून, सबके लिए एक होना चाहिए। अच्छा कानून है पूरे भारत में, सबको समान कानून मिलना चाहिए, सबको मतलब जो न्याय वो बराबर मिलना चाहिए। हर किसी को कानून अलग अलग से डिस्प्यूट होता है, फिर और दूसरे लोग भी चाहते हैं कि मेरा भी कानून अलग बने, तो इसलिए सबको एक ही कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए, बिल्कुल सही काम कर रही है। देखिए, जब ये देश में लोग बात करते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए, इस देश में सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है, तो मेरा अपना मानना है कि इस देश में एक कानून होना चाहिए जिससे सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए बराबर न्याय मिल सके और देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। इसके लिए उत्तर प्रदेश में मैं तो सरकार से कहूँगा ना लागू करके पूरे देश में लागू करना चाहिए जिससे समान रूप से सबको जीने का अधिकार मिले और सबको कानून का बराबर अधिकार मिले। जी, अगर ये कानून लागू होता है तो मोदी सरकार बहुत अच्छा कार्य करेगी। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो इस प्रकार लागू हो जाएगा तो अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। ये भारत की राजनीति में बहुत बड़ा कदम होगा, ये भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है सरकार की तरफ से। इसमें जो लोग एक से अधिक शादियां करते थे जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं था,
चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो एक से अधिक विवाह करते थे और उन्हीं की वजह से जो जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही थी उस पर काफ़ी हद तक रोकथाम होगी। आप एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकेगा, वन नेशन वन लॉ। हिंदुस्तान में हमारी संस्कृति तो विभिन्न है लेकिन हमारी जो मेन राष्ट्रीयता है वो हिंदू है और UCC जो है देश पे लागू होना चाहिए क्योंकि देश में एक कानून होना चाहिए। जब नागरिकता एक है, हिंदुस्तान के सारे नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को एक तरीके का कानून होना चाहिए, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी तरीके। और कानून जब एक हो जाएगा तो तुष्टिकरण की जो राजनीति है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। समान नागरिक कानून ये आज लागू कर रही है, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि यूनियन सिविल कोर्ट UCC समान नागरिक कानून, एक देश और एक कानून बहुत से देशों में चल रहा है, हमारे यहाँ पिछड़ा हुआ है भारतवर्ष। लेकिन अब भारतवर्ष में ऐसा कदम, ऐसी सरकार लेकर आई है, हम उस सरकार के सराहनीय कदम की सराहना करते हैं और अपने देश को सुधारने के लिए एक समान कानून लागू करने के लिए बार बार हम सबको और हमको भी धन्यवाद देना चाहिए। और इस कानून से जो लाभ होने वाला है वो हमारे फ्यूचर को सुधारेगा, आने वाली पीढ़ी को भी सुधारेगा। चाहिए इससे ये फायदा होगा कि हमारे देश के सभी नागरिक एक समान रहेंगे, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक देश एक कानून लागू होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखिए मुस्लिम धर्म में अलग कानून है, हिंदू धर्म में अलग, इससे ये होगा कि सभी धर्म एक साथ रहेंगे और कोई जो है धार्मिक स्थिति को आहत नहीं पहुंचेगी। अच्छा विषय है और सराहनीय विषय है और इसकी तो पहल बहुत पहले हो जानी चाहिए क्योंकि हम सभी एक सामाजिक स्तर पे भले आचार विचार से और अपने धर्म पद्धति को लेके, सनातन धर्म को लेके या अन्य संगठनों को लेके अनेक तरह के वैचारिक मतभेदों से अलग तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अगर जहां बात संविधान की आती है वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सभी के लिए अगर एक नियम लागू है तो उसमें हमारे देश की प्रगति, उन्नति एवं राष्ट्र पर सर्वोपरि हम देखें तो उसमें बहुत ही अच्छी पहल है और हम लोग इसका समर्थन करते हैं कि अगर एक संविधान हमारे लिए है तो शायद हम सभी को एक ही तरह से डर और भय रहेगा उसका। सामान्य नागरिक से अगर पूछेंगे तो हर सामान्य नागरिक की इच्छा होती है कि सबके लिए सामान्य कानून होना चाहिए, तो इस नियति से अगर देखें तो बिल्कुल लागू होना चाहिए। हम लोग इसके समर्थन में हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जब हम कानून की बात करते हैं, जब हम एक संविधान की बात करते हैं कि देश संविधान से चलता है, तो देश में अलग अलग संविधान तो नहीं है। जब संविधान एक है तो सबके लिए कानून भी उसी संविधान के तहत निर्धारित किए गए हैं, तो सबके लिए कानून भी एक जैसे होने चाहिए। ये तो लोगों ने और अलग पार्टियों ने और जो भी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए कहीं 370 लागू कर दिया कि हमारे लोग हैं, कहीं आपने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति शुरू कर दी कहीं किसी तरीके का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम भी इस देश के रहने वाले हैं, दूसरे धर्म के लोग भी इस देश के रहने वाले हैं, लेकिन कानून अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हम पे भी वही धाराएं लगती हैं, कोई दूसरे लोग कुछ गलत करते हैं तो उनके ऊपर भी वही धाराएं लगनी चाहिए। इसलिए सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं। इस देश में लागू होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए एक कानून होना चाहिए, किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। जो भी क्राइम हो, जिस भी बात में हो, सबके लिए एक धाराएं होनी चाहिए, हर व्यक्ति के लिए अलग धाराएं नहीं होनी चाहिए। एक देश एक कानून, सामान्य नागरिकता कानून अवश्य लागू होना चाहिए। जब एक देश है, एक संविधान है, तो सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। ये नहीं कि कोई चार शादी कर रहा है, कोई एक शादी कर रहा है तो दूसरी शादी नहीं कर सकता, उसको जेल हो जाएगी, तो कोई चार शादी करने के लिए फ्री है। तो जितने भी धर्म, भाषा या तबके के लोग रहते हैं, जो जब पूरा देश एक है, भारत एक है, भारत का संविधान एक है, तो सभी भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून भी एक ही होना चाहिए। और अभी तक जहाँ तक मेरी राय है, इस कानून को बहुत पहले लागू कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन जो भी पार्टियां अभी तक सत्ता में रहीं, उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण या जो भी अन्य कारण रहे हो, इस कारण इस कानून को लाने में कभी अपनी इच्छा नहीं जताई। तो जो मौजूदा सरकार है, अगर इस कानून को लाती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। एक देश एक कानून बिल्कुल होना चाहिए,
जब हिंदू मैरिज एक्ट है तो मुसलमानों के लिए अलग कानून क्यों? सब समाज में सभी को समान अधिकार होना चाहिए, चाहे शिक्षा संबंधित हो, चाहे शादी संबंधित हो, चाहे प्रॉपर्टी संबंधित हो, जो भी है सबको बराबर होना चाहिए। जी मेरी राय है कि देश में समान कानून लागू होना चाहिए। जब देश में समानता है तो इसलिए जरूरी है कि कानून जैसा हो होना चाहिए। समान काम समान एक कानून होना चाहिए। एससी वाले हैं जो एससी ज़मीन नहीं बेच पा रहे हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं, अपने इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए परमिशन नहीं मिल पा रही है। उनकी जो ज़मीन 10 लाख रुपए बीघा बिकना चाहिए वो आज की डेट में 1 लाख रुपए बीघा बिक रही है। एक समान कानून सबके लिए ज़रूरी है और होना भी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। एससी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, सामान्य के लिए अलग है। कोई भी किसी भी धारा के अंतर्गत किसी भी काम को कर सकता है। हमारा ये कानून ऐसा है जो नहीं आता, इसलिए सबको समान अधिकार होना चाहिए। हर कानून को सरकार के इसके पक्ष में हूँ मैं सरकार के, और ये कानून ज़रूरी है और लागू भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में लागू होना चाहिए यूसीसी कानून। देखिए जब हम एक देश में निवास करते हैं और भारत के नागरिक कहलाते हैं तो हर धर्म के लिए अलग कानून क्यों? एक देश एक कानून, जिससे कि सभी जाति के सभी वर्गों के सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून लागू हो और सभी एक ही कानून से पोषित किए जाएं। नहीं, ज़रूर लागू होना चाहिए। देखिए हमारे देश में क्या है कि अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है, जो कि गलत है। हम सभी भारतीय हैं और सभी भारतीयों के लिए समान नागरिक संहिता होना चाहिए। ये इसी मस्ट है, ये सभी पर लागू होना चाहिए। लेकिन इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। सब लोग जो भी मतलब समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जानकार लोग हैं, मीडिया से संबंधित हैं, या जो भी हमारे मतलब काबिल लोग कह सकते हैं आप, उन सब से विचार विमर्श के बाद इसको लागू करना चाहिए। एक ही कानून होना चाहिए। एक ही कहने का मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं। कहने का मतलब जाति विशेष के लिए कोई आरक्षण नहीं, जो भी है सब समान। अगर कोई मान लो काबिल है तो फाइट करके आगे पहुंचे, ना कि एक कास्ट की वजह से पहुंच जाए, ये नहीं होना चाहिए। देखिए जब ये देश संविधान से चल रहा है, इस देश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, इस देश ने संविधान के सबको बराबरी से जीने का अधिकार दिया है, तो इस देश के अंदर सब जातियों के लिए सब धर्म के लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए। जब इस देश के अंदर एक कानून होगा तो एक सरलता आएगी और सबको समानता से जीने का अधिकार मिलेगा। मैं इस कानून का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इसे पूरे देश के अंदर लागू करना चाहिए, जो कि देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और सबको पूरे समान रूप से कानून का अधिकार मिले। सबसे पहले देश के अंदर जो हमारा संविधान बना हुआ है उसके अनुसार एक नेता के लिए उसके कर्तव्य क्या होना चाहिए। देश के अंदर सबसे पहले नेताओं की जो पेंशन है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी सेवा कर रहा है उसकी पेंशन बंद है तो उसकी पेंशन बंद होना चाहिए। इसके बाद इस कानून पर ध्यान देना चाहिए, पहले खुद पर लागू करना चाहिए, इसके बाद अन्य कानून जनता पे थोपे जाने चाहिए। नेताओं पे तो कानून लागू होना चाहिए। एक तरफ जनता महंगाई त्रस्त बेरोजगारी से फिस रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में जनता का महंगाई और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये अनर्गल कानून लगाए जा रहे हैं। पहले नेताओं पर अपने कानून लागू करना चाहिए। मेरा नाम रविंद्र सिंह चौहान है और मैं चाहता हूँ कि मेरी राय है कि हम जब लोग भारत में समान रूप से रह रहे हैं तो हमारे सबके समान अधिकार भी होने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हिंदू की बात है, हिंदू को एक मर्ज करने का अधिकार है, मुस्लिम को अधिक करने का अधिकार क्यों है? एक भारत में रहकर के एक कानून, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम के अधीन हम जब काम कर रहे हैं तो हमको समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग तरीके की परिस्थितियाँ पैदा की जाती हैं कि एससी है उसको ये छूट है, सामान्य है उसके साथ ये दिक्कतें हैं, या बीसी के लोग हैं उनको ये छूट है। तो जो कानून बने समान कानून बने, समान लाभ मिले सबको,
अगर दो बच्चों का कानून लागू होता है तो वो सब पर लागू हो, किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं लागू हो, किसी एक जाति विशेष पर वो कानून ना लागू हो, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में लागू होने वाला कानून हर व्यक्ति के लिए एक समान होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला जो लिया है उसकी हम सराहना करना चाहेंगे कि उन्होंने एक बहुत ही उचित और बढ़िया फैसला लिया है कि नागरिक संहिता को लागू करने की बात सोची है, क्योंकि इससे जाति धर्म से उठकर सबको समान तरीके से एक अच्छा कानून एक मिलेगा और निश्चित तौर पे एक बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई होगी। कानून के जानकारों ने उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था को रखा हुआ, जिससे समान सभी धर्मों के लोग, सबसे पहले तो हम सब एक भारतीय हैं और भारतीयों के लिए एक कानून होना चाहिए, ना कि कोई जाति धर्म के अनुसार। हमारी जाति सबसे पहले भारतीय है, तो इस हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की सरकार ने सोचा है तो हम उसकी सराहना करना चाहेंगे। UCC कानून जो लागू हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है कि UCC कानून लागू होना चाहिए। देश में सभी नागरिक एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उन्हें एक जैसे रूल भी फॉलो करने चाहिए। हिंदुस्तान में आप अगर रह रहे हैं तो हमें आप हिंदुस्तान की तरह, भारतवर्ष की तरह जो रूल हमारे बनाए गए हैं उन सभी को साथ एक समान होना चाहिए, समान तरीके समानता के साथ सभी को देखना चाहिए। जाति के आधार पर किसी को कोई आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर आदमी कोई गरीब है तो सरकार उसकी व्यवस्था पढ़ाई की, लिखाई की, खाने की, पीने की, सब तरीके की करे, ना कि आरक्षण की, क्योंकि इसमें जो है प्रतिभा पलायन करती है। प्रतिभा अमेरिका, जापान, रूस सब जगह भागती है इसी जगह चक्कर में कि बिल्कुल जो गधे हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं, जो घोड़े हैं वो रह जाते हैं, समझे। इसलिए जो है हर कीमत पे जो है ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। है हाँ, वो तो लागू होना चाहिए, पर ये जो अम्बेडकर ने 10 साल के लिए जो आरक्षण किया था उसे बार बार केवल ये वोटों की राजनीति की वजह से बढ़ाते चले आ रहे हैं, जबकि ये नहीं बढ़ना चाहिए, समझे। इसमें जो है जो और कास्टें हैं उनका बहुत बड़ा जो है लाश है, उनके बच्चे और सब लोग जो है उनसे दूर होते जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेंगी अपर कास्ट की, वो सब प्रतिभा पलायन कर जाएंगी हर कीमत। डिबेट के लिए नहीं होने चाहिए, वो एक सच्चाई और देश के लिए जो हितकर प्रयास हैं वो होते हैं। जैसे उसी प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिक समान नागरिक संहिता एक ऐसा ही विषय है, तो हमारे देश में जैसे गोवा प्रदेश है वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लागू होता है। वहाँ पर यदि आप कोई, आप किसी भी धर्म से हैं, जैसे मुस्लिम लॉ, एक मुस्लिम धर्म के लिए लोगों के लिए अलग लॉ होता है, अलग कानून होते हैं। मुस्लिम व्यक्ति यदि अपनी पत्नी को तलाक, 3 तलाक देता है तो उसको आज भी जेल जाना पड़ता है। हमारे देश में शैबानों और कई प्रकार के कई ऐसे केस, ऐसे मुकदमे निकल के आए जिसकी वजह से न्यायालय ने समय समय पर सरकार को, भारत सरकार को आदेश दिया, उन्हें इंगित किया, उन्हें संकेत दिया कि आपको अपने देश में समान नागरिक संहिता का कानून लाना ही चाहिए। जैसा कि पता है कि ये देश में संविधान लागू होते हैं 1950 में, और संविधान का आधार है कि इक्वलिटी यानी कि समानता। जब यहाँ पे हर चीज़ समानता के आधार पर होती है तो फिर अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून क्यों? और ये सरकार ये ला रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा कि देखा गया है कि अलग अलग हर अलग अलग जाति धर्म लिंग संप्रदाय लोगों के लिए एक समान कानून, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा कि जैसे तलाक हैं, बच्चा गोद लेना या संपत्ति का जो भी चीज़ है उसमें एक ही कानून होगा, और जिससे कि एक जो न्याय प्रक्रिया है उसमें एक सुगमता और एक समानता समरसता आएगी। देखिए, UCC की आवश्यकता अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि 2018 में जो 21वां विधि आयोग बना था तो उसने भी इस बात को इनकार किया था कि नहीं, अभी फ़िलहाल इस देश में इसकी आवश्यकता है नहीं। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार इस सरकार का चाल चलन रहा है उसी हिसाब से मैं बात करता हूँ, तो सरकार सिर्फ दो संस्थाओं की हमेशा से भी होती रही है, दलित और एक मुसलमान, और शायद उनको ही ताक में रख करके ये UGC लागू कर रहे हैं, जिससे जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके जो अधिकार हैं, जो संपत्ति को लेकर के अधिकार हैं या संपत्ति हस्तांतरण को बेचने को लेकर के जो अधिकार हैं उन पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करके उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसी लागू करने जा रही है, क्या जनता को करना चाहिए? ये देखिए, समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून को प्रोत्साहित करता है, और इसका वर्णन हमारे संविधान में है, आर्टिकल 44 पे है इसका वर्णन, और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी समूह होगा, कोई भी वर्ग होगा, उसके लिए
सिविल मामलों में एक कानून होगा। जैसे अभी हिंदू अधिनियम अलग है, हिंदू कोर्ट अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, तो उसके इस संबंध में एक होगा। तो ये एक देश एक कानून और देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रतिबद्ध होगा इस कानून को लागू करना, और ये सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से और इसको लागू किया जाना चाहिए। अभी केंद्र सरकार भी इसकी लागू करने के लिए विधि आयोग की सिफारिश इंतजार कर रही है। उत्तराखंड में विधि आयोग का गठन किया जा चुका है रंजना देसाई जस्टिस की अध्यक्षता में। उसकी रिपोर्ट आने पर उत्तराखंड में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यदि ये उत्तर प्रदेश में और धीरे धीरे कई राज्यों में लागू हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। गोवा में लागू है, बहुत ही अच्छा कदम होगा। देखिए बिल्कुल, अगर सरकार प्रदेश में UCC लागू कर रही है तो अच्छे सरकार की पहल है, उसको करना चाहिए। इससे देखिए क्या होता है कि एक देश है और इस देश में कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं, लोग के अलग अलग अपनी दिनचर्या है, अलग अलग लिबास है, लेकिन ये है कि जब देश एक है, कानून एक है, तो सब मजहब जो भी हैं उनको इसी देश के संविधान का, इसी देश के कानून का पालन करना चाहिए। और सरकार अगर इसमें कुछ कर रही है और इसको लागू कर रही है तो ये बहुत अच्छा फैसला, स्वागत योग्य फैसला है। इससे जो समाज में विसंगतियां हैं, लोग अपने अपने धर्म की आस्था को लेकर जो विवाद होते हैं, लोग अपने धर्म को मानते हैं, उनके धर्म के अनुसार से जो उनका मजहब कहता है उस हिसाब से वो अपने नियम कानून चलाते हैं, तो ये गलत है। और अगर जब UCC लागू हो जाएगा तो उससे इन चीज़ों में लगाम लगेगी और जो कानून व्यवस्था है वो भी अच्छी होगी। UCC लागू होना चाहिए। देखिए, कॉमन सिविल कोड का जहाँ तक प्रश्न है, इस पर जो लोकप्रिय सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, ये निश्चित रूप से जो सरकार की इच्छा होती है उस पर वो धरातल पर भी दिखाई देने लगती है। परंतु हमारा ऐसा मानना है कि जो राइट माइंडेड लोग हैं, विशेषकर अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनसे अगर संवाद करके, और कोई ऐसा प्रश्न नहीं कि अगर संवाद किया जाए तो जो उनकी भ्रांतियाँ हैं उसको दूर किया जा सकता है और एक एमिकेबल सोल्यूशन, एक सर्वमान्य और सर्वसमावेशी सोल्यूशन निकालने में ज़रूर उत्तर प्रदेश सरकार सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चाहे कॉमन सिविल कोड हो या अन्य कोई हो, तो संवाद ज़रूरी है। UCC अभी सरकार इस पर विचार कर रही है, अभी लागू हुआ नहीं। अगर लागू होता भी है तो ये आने वाले भविष्य की बात है और ये उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू होगा जैसा सरकार कह रही है। मगर मैं समझता हूँ कि ये समय UCC लागू करने का नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, ये एक बाग है और यहाँ पे तमाम धर्मों के संप्रदायों के लोग रहते हैं। अगर UCC लागू होता है तो सभी धर्म और सभी संप्रदाय की अपनी अलग अलग आस्थाएँ हैं, विशेषताएँ हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो संतुलन जो है समाज का वो बिगड़ सकता है, ये मेरी आशंका है। इसलिए ये बेहतर समय नहीं है। जहाँ तक समान नागरिक संहिता के लागू करने की बात है तो यह देश के विकास के लिए, एक स्वस्थ और अच्छे समाज के लिए निश्चित तौर पर ज़रूरी है और इसको लागू किया जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे जो भी विकसित देश हैं वहाँ पर कानून सबके लिए बराबर है, वहाँ जाति और धर्म के आधारित कानून की व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो बहुत पुरानी कानून व्यवस्था जो अंग्रेज़ों द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में बनाई गई थी उस हिसाब से आज भी चल रहा है। इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए और अगर लगता है कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाना चाहिए तो करना चाहिए, यह जरूरी है देश के विकास के लिए। और हाँ, यह है कि इसको आनन फानन में या ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें क्या मतलब किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जिससे कि वास्तव में इस कानून का सबको लाभ मिले, वास्तविक बराबरी हो, ऐसा ना हो कि उसमें कहीं कोई लीकेज रह जाए, कोई चूक रह जाए। इसके लिए एक व्यापक चर्चा करके और जो कानून के जानकार हैं, जो समाज से जुड़े प्रबुद्ध जन हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं, जो कला क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, जो भी इस तरह के प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग हैं, विचारशील लोग हैं, उनकी कमेटी बनाकर उनके विचार विमर्श के बाद ही। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। मैं सोचता हूँ कि विकास के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, न कि उससे भटक करके दूसरे मुद्दों पर ले जाकर के जनता को इधर उधर की बातें करके उसको गुमराह करने का काम सरकार को बंद कर देना चाहिए। विकास की केवल बात करनी चाहिए। आज हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है,
आज शिक्षा हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। आज हमारे बच्चे अभिभावक बंधु अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विचार कर रहे हैं हम कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएं। हाँ जी, ज़रूर लागू होना चाहिए। इससे हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, नागरिक भारत में रहने वाले हैं जितने भी हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि सब धर्म का एक नियम होगा, एक कानून होगा, और गोद लेना होगा बच्चा या कुछ भी करना होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ के लिए एक ही कानून होगा, और जिससे कि सही होगा। हाँ, बहुत राहत मिलेगी इससे। जितने भी विवाद होते हैं और हमारे प्रॉपर्टी में लेने में कुछ भी होता नहीं हो पाता है, जिससे एक कानून बनेगा यूसीसी द्वारा समान लागू, तो उससे बहुत। यूसीसी समान नागरिक संहिता, मेरा जो मत अपना है इसके हिसाब से तो हमें लगता है एक भारत एक देश है, तो उसमें संविधान के अकॉर्डिंग ये भी होना चाहिए कि सभी लोग वो अपना धर्म मानने के लिए आ जाती है, उसमें कोई किसी की टिप्पणी नहीं, लेकिन जब कानून की बात आती है तो सबका अधिकार समान होना चाहिए। बिल्कुल सही है, महिलाओं का जो शोषण हो रहा था, जो और विगत विधियाँ थीं, जो गड़बड़ी थी, उसके लिए देखकर हमारे महापुरुषों ने जो भी निर्णय लिया है हमें लगता है कि उचित होगा। आवाम में फ़र्क पड़ेगा, इसको आपको जनता को समझाना पड़ेगा, आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं किसी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के ये कार्य नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार की विश्वसनीयता इस समय काफ़ी कमज़ोर हुई है समाज में। आज कोई भी ये बिल कोड लाते हैं तो नागरिक दो भागों में बढ़ जाता है। सरकार का जो संवाद है वो सही नहीं है, जनता जो संवाद स्थापित होना चाहिए सरकार का वो सही नहीं है, बराबर चोट पहुंचाई जा रही है, हिंदू मुसलमानों के बीच खाई तैयार की जा रही है, ऐसा ही कोई प्रोपेगंडा ना हो। इससे सभी को फ़ायदा होगा, सब एक समान हो जाएंगे, सब गरीब अमीर को लाभ मिलेगा, सब लोग संतुष्ट रहेंगे, यही हम लोगों को सोच है कि ये ज़रूर लागे, अवश्य लागे। इसी लागू होना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या राय आपकी? बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश में ऊंच और नीच की भावनाएं हैं वो सब खत्म होना चाहिए, और ये कानून बिल्कुल लागू होना चाहिए। इससे सभी लोगों का फ़ायदा होगा, हर एक चीज़ सब चीज़ मिलेगी सब लोगों को, और ज़रूरी भी है लगना। ये आपको क्या लगता है, क्या राय? जी बिल्कुल लागू होना चाहिए, चूँकि जिस प्रकार से जो है समान नागरिक और समान कानून होना चाहिए, चूँकि देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है और इस समय एक समान कानून की आवश्यकता है, और इसको बिल्कुल ही लागू होना चाहिए, इससे प्रदेश में विकास ही होगा। यूसीसी को लेके जो हमारा जहाँ तक विचार है कि ये होना चाहिए। जहाँ तक हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में समान नागरिकता सबके साथ जो है एक तरीके का ट्रीट किया जाता है, खास करके यूसीसी का फ़ायदा मुस्लिम वर्ग को होगा, जहाँ पे आज भी देखा जाता है कि उनकी जो बच्चियाँ हैं उनमें 9 वर्ष या 13 वर्ष जो है शादी का आयु हुआ, तमाम शरिया कानून चलते हैं, तो खास करके अगर हमें जहाँ तक लाभ मिलेगा मुस्लिम वर्ग को मिलेगा, तो इसका जो है स्वागत करने योग्य चीज़ है, जो है बहुत अच्छी चीज़ है। लागू होना चाहिए, हमारे ये विचार है व्यक्तिगत कि ये यूसीसी जो है ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे खास तौर से फ़ायदा केवल एक वर्ग को नहीं है, सारे वर्गों को है, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। इससे क्या होगा कि आपस में प्यार रिश्ते भी बने रहेंगे, हर वर्गों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। माननीय योगी जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा निर्णय है, इसको लागू होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है एक देश और एक कानून संहिता। जब हमारा संविधान बना था तत्कालीन समय के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर एवं अग्रणी अग्रज की भूमिका निभाने वाले माननीय गांधी जी ने इस संकल्पना को हमारे आर्टिकल 44 में इसलिए शामिल किया था क्योंकि वो जानते थे कि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। समाज में किसी भी देश या परिस्थिति में दो तरह के वर्ग होते हैं, एक जो समान नागरिक कानून का समर्थन करते हैं और एक विरोध करते हैं। देखिए, ये देश भिन्नता में भी एकता का प्रतीक है और ये देश संविधान से चलता है, तो जिस तरीके से जो आपका सवाल है तो हम यही कहेंगे कि हर मजहब के लिए एक संविधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। जिस तरीके से इस देश में जिस तरीके से लगातार मुस्लिम के लिए अलग कानून है और अदर के लिए अलग, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक देश है एक संविधान पे हर लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जब एक प्लेटफॉर्म होगा तो सबको इससे लाभ मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल आवश्यक है इसको लागू होना, और हमारे देश का एक संविधान और एक कानून होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हमारे
संविधान हमारे कानून से बड़ा नहीं है, ठीक है। और इसके लिए चाहे किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो, और हम लोगों को, हम सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित होना चाहिए, और इसको सरकार को अगर ये एक बिल ला रही है तो इसको फॉलोअप करना चाहिए।